जब से हॉट मामा ऑफ द टाउन मलाइका का रिश्ता खान परिवार से यानी कि सलमान के परिवार से टूटा है, तभी से मलाइका के साथ साथ उनके लव अर्जुन के करियर की गाड़ी पर भी थोड़ा ब्रेक सा लग गया है। आज तक दबंग फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्म में आइटम डांस का तड़का लगाकर सुर्खियां बटोरने वाली मलाइका के खान से रिश्ते बिगड़ने के बाद करियर ठप सा पड़ता दिख रहा है। जहां एक तरफ अर्जुन और मलाइका की क्लोजनेस बढ़ रही है, वहीं अब मलाइका और अर्जुन के रिश्ते की वजह से सलमान और उनके खास डायरेक्टर रह चुके दोस्त बोनी कपूर के बीच की दूरियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि सलमान 2020 की ईद पर प्रभुदेवा के साथ बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है और उन्होंने इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऐसे में जब कयास लगाए जा रहे हैं कि सल्लू राधे द कॉप नाम की मूवी लेकर आएंगे जो वांटेड फ्रेंचाइजी का हिस्सा होगी। बॉलीवुड हंगामा में आई खबर की माने तो सलमान नहीं चाहते कि इस बार डायरेक्टर बोनी कपूर वांटेड की फ्रेंचाइजी के राइट्स खरीदे। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि प्रभुदेवा की डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म सलमान खान फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस में बने। याद दिला दे कि सलमान की वांटेड बोनी कपूर के प्रोडक्शन में बनी थी, लेकिन अब मलाइका की वजह से सलमान नहीं चाहते कि बोनी कपूर उनकी इस फिल्म का हिस्सा बने। खैर, सलमान का लिया ये फैसला उनके लिए या फिर उनकी फिल्म के लिए फायदा लेकर आए या फिर होगा नुकसान का सौदा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इंडिया बॉलीवुड बारे की रिपोर्ट।